लेकिन इस समय में बहुत सारा जो हमारा सामाजिक उथल पुथल हुआ है और उससे तरह तरह की समस्याएं भी हैं, उभरी हैं। तो आज मैं इस पर विशेष बात करने वाली हूँ कि हमारे छोटे बड़े सभी धर्म स्थान जो हैं, चाहे मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च और हमारे मस्जिद, एनजीओ तो कर ही रही है अपने अपने लेवल पे जो भी, लेकिन हम अब हमें जरूरत है कि हमारे जो भी धर्म स्थान है वह भी सहयोग करें। और कुछ जो है मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं डालने जा रही हूँ। जैसे एक आचार्य जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि हम लोग जो हैं ऑनलाइन ऐसा अभी कुछ कर नहीं पा रहे। मैंने पहले भी एक वीडियो में डाला था कि उसमें मैंने ये कहा था कि हमारे यहाँ क्योंकि अभी केतु प्रभावित ये डिजीज है कोरोना, तो इसमें जो है राहु और केतु दोनों के लिए ही शांति के लिए हम जो है अगर हम 7 times 18,000 और 17,000 का गुणा अगर हम करते हैं तो 7 जो है 7 बार मल्टीप्लाई करके तो उतने हमारे जो तीर्थ स्थल हैं वहाँ पे वह पूजा अर्चना होनी चाहिए कोविड की शांति के लिए। तो वह मेरी वीडियो थे विशेषकर वह भी हमारे जो शक्ति स्थल हैं उन जगहों के लिए। और इसी प्रकार से मैंने जो हमारे 5 गुरसिखी के जो स्थल हैं तो उनके लिए मैंने कहा था कि वहाँ पे 7 की लड़ी में अगर अखंड पाठ साहब चले तो बहुत उत्तम होगा। उम्मीद है कहीं ना कहीं मेरी उस वीडियो के माध्यम से बात पहुंची होगी। लेकिन एक आचार्य जी से मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा कि आचार्य जी किस तरह से जो है अभी हमारा जो है चल रहा है पूजा अर्चना का जो है, तो अगर ऑनलाइन हम दर्शन करना चाहते हैं जैसे उज्जैन जी है तो अगर ऑनलाइन दर्शन करना चाहते हैं तो क्या कैसा चल रहा है। तो उनसे बातचीत करने पे मुझे ये हुआ कि मुझे ये वीडियो आपके साथ शेयर करनी चाहिए, बनानी चाहिए ताकि हमारे सभी धर्म स्थल जो हैं छोटे बड़े वो इस पर जो है ध्यान दें और कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ें अपने लेवल पे अगर हो सके संभव तो करें। जैसे सबसे पहले मैं कहूँगी कि कल की ही एक बड़ी दुखद दुर्घटना है कि जो एक बच्चा था कोई और यंग, तो उसने सुसाइड कर लिया। कि जो है क्योंकि इस समय में हमारे बहुत सारे जो प्रोफेशंस हैं जो लाइवलीहुड के जरिए हैं वो जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी इफेक्ट हुए हैं, तो अर्निंग पोटेंशियल जो है वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। और एक बच्चा यंग था जो नहीं कुछ अर्निंग पोटेंशियल हो पाया तो उसने सुसाइड कर लिया कि घर गृहस्थी में वो कुछ पैसे नहीं जुटा पा रहा है तो सुसाइड कर लिया। तो उसके बाद में वहाँ के जो लोकल गुरुद्वारा साहब थे तो उनकी जो ट्रस्टी या कहें जो प्रधान जो सेवा जो स्थल उनका जो ग्रुप था वो आगे आया और उन्होंने अनाउंस किया कि भाई जो भी हमारी संगत है और उसको जो है अगर पैसे की ज़रूरत है तो कृपया शर्माएं नहीं और कृपया आगे आएं और आप एक लोन के तौर पे ही हमसे कुछ अमाउंट लेकर के जो है अपना अगर कोई काम करना चाहते हैं या कोई जैसे मास्क लगाएं और कुछ भी है या घर गृहस्थी के लिए ही अगर आपको ज़रूरत है तो आप प्लीज़ हमसे लें चाहे लोन के आधार पर ले लें और बाकी आपके ऊपर है कि आप बाद में यथासंभव उसे लौटा दें और ना भी लौटा पाएं तो कोई बात नहीं, हमारी तरफ से माफीनामा हम उसे माफ़ मानेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा जो एक स्टेप था लोकल गुरुद्वारा साहब का वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही शुभकारी था। दूसरा हमारे इसीलिए मैंने टॉपिक में डाला भी है कि सिखों से सीख। ये मुझे इसलिए भी आया आइडिया क्योंकि जब बॉम्बे में जो बैंक था उसका जो केस हुआ था तो एक जैन मुनि थे, उन्होंने कहा था कि हमें सिखों से सीखना चाहिए कि जिस प्रकार से जो पंजाब बैंक था उसका जो घोटाला हुआ तो सिख समुदाय से उन लोगों को जो है बाहर कर दिया गया था, उनको निकाल दिया गया था जो सिख उसमें जो है बैंक के घोटाले में थे। और ये हुआ कि उनको उनके घर में पाठ पूजा नहीं होगी आगे से सिख धर्म के हिसाब से। तो उस टाइम उन्होंने इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया था जैन मुनि जी ने और वो वीडियो बहुत वायरल भी हुआ था और उन्होंने कहा था कि हमें सिखों से सीखना चाहिए। तो इसी प्रकार से दूसरा मैं एक और पॉइंट डालना चाहती हूँ कि कोई मिस्टर सिंह हैं, उन्होंने जो है ऑनलाइन बड़ा ही सुंदर वो मैनेज कर रहे हैं, उपराला है जगरावा के पास में नानक सर नाम का एक स्थान है, गुरुद्वारा साहब है वहाँ पे जो है लगातार कंटिन्यूस अखंड पाठ साहब की लड़ी चल रही है। और ये मिस्टर सिंह हैं जो कि मैनेज कर रहे हैं उसको और वो ऑनलाइन लगातार जो है वह
दिखाई जा रही है और देश विदेशों से लोग जो हैं वह देख रहे हैं। तो आप किसी भी टाइम 24 घंटे में कभी भी आप उसको ऑन करें लिंक को, तो वहाँ पे जो पाठ की लड़ी चल रही है तो वह आप पाठ का श्रवण कर सकते हैं। और दूसरा उसमें ये प्रोविजन भी था कि आप यथायोगी अगर आप बुक करवाना चाहते हैं धनपाठ साहब, तो उन्होंने 13,000 रखा था उसका जो कीमत थी। तो मैंने उनसे बात करी तो मैंने उनसे कहा जी हमारा अभी इतनी क्षमता नहीं है, तो उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, आप अपना नाम भेजें और अपना जो है आप जितना श्रद्धा से कर पाएं तो अच्छा हो। तो मैंने 5100 रुपये जो मेरे मन में था मैंने उनको कहा कि मैं भेज रही हूँ और मैंने उनको भेजा। उन्होंने अपना पे मुझे अकाउंट दिया, मैंने उसमें मैंने भेजा उनको। और जब वो लड़ी चलती है तो उस लड़ी में फिर आपका नाम नीचे आता है क्योंकि वो बुकिंग हो रही है एक के बाद में। अखंड पाठ सब 3 दिन चलते हैं तो उसके बाद में क्योंकि लोग बुक कर रहे हैं तो वो बुकिंग जो कोई करता है तो उसका नाम भी नीचे आता रहता है। और अगर आप नहीं कुछ दक्षिणा करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप श्रवण करें उस चीज़ को। तो ये बहुत अच्छा अपने आप में उपराला है। तो मैंने कहा कि ये मैं पहुँचाऊँ वीडियो के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। तो जो हमारे शक्ति स्थल हैं जैसे कि माँ शकुंभा है, शकुंभी देवी हैं, कालिका माँ हैं, झंडे वालन है, हमारे उज्जैन में महाकालेश्वर जी हैं, मंगलनाथ जी और जो हमारे बड़े बड़े शक्तिपीठ हैं, वैष्णो माँ हैं, तो वहाँ पर भी इसी तरह की अगर कोई पूजा अर्चना का प्रोविजन किया जाए, मंत्र जाप कंटिन्यूस हो जिनको कि वह भक्तगण जो है वह सुन सके, अपना ऑनलाइन देख भी सके, दर्शन भी पा सके, अगर ऐसा हमारे और जो शक्ति स्थल हैं वह भी कर सके तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं उसका जो मिस्टर सिंह का जो मैं लिंक भी यहाँ पे डाल दूंगी। जगरामा के पास में गुरुद्वारा साहब है और लगातार वो लड़ी चल रही है और बहुत ही सुंदर उपराला है। तो उसको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का हमें जो है प्रसार करना चाहिए और उसे लाभ उठाना चाहिए। और जो सिख भाई हैं या जो भी भाई हैं, अगर आप सभी जो भी अगर देना चाहते हैं यथायोग जो भी दक्षिणा 500,000 जो भी, तो हम ऑनलाइन दे भी सकें। सो दैट कि वहाँ पे जो पुजारी जी हैं, आचार्यगण हैं, जो भी हैं, लॉकडाउन में कोई पूजा अर्चना कहीं पे रेगुलर बेसिस पे नहीं चल रही है, ताकि उनके लिए भी कुछ लाइवलीहुड जो है जुड़ सके। तो ये अपने आप में मुझे बहुत एक अच्छा कंसेप्ट लगा, तो इसलिए मैं यह शेयर कर रही हूँ। तीसरा मैं एक और बताऊँगी कि मंडी गोविंदगढ़ साहब एक जगह है पास में ही पंजाब में, तो वहाँ पर 3-4 भाइयों ने, सिख भाइयों ने मिल करके उन्होंने जो है कुछ पैसा डाल करके और उन्होंने बिल्कुल मिनिमम प्राइस जो है उन्होंने उसमें कोई प्रॉफिट नहीं रखा है, होल सेल से वो सामान ले रहे हैं और फिर उसके बाद वो सेल कर रहे हैं सिर्फ 2-3-5 रुपए का मार्जिन रख करके, ताकि उनके खर्चे जो है उससे मीट आउट हो जाएं। तो उनका कंसेप्ट बहुत अच्छा था, उनसे भी मेरी फोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा देखिए जी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो मिडिल क्लास है वो शर्म में मारा जाता है, जो बहुत लोअर कार्डर है वो तो मांग के भी खा ले रहा है और एनजीओज उनको मदद भी कर रही हैं स्लम पर या ऐसे एरियाज में एनजीओज हमारी पहुंच भी रही हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो बेचारा अपने घर में ही भूखा रह रहा है, अन्न की कमी, आटे की कमी, और वो मांग भी नहीं रहा है और आस पड़ोस में तो मांग ही नहीं सकता क्योंकि सभी एक जैसे हैं, तो बेचारे किसी के घर क्या मांगने जाए। तो अगर गुरुद्वारा साहब में भी, मोस्टली गुरुद्वारा साहब में भी लंगर आजकल नहीं चल रहा है, तो आसपास में लंगर भी कहते हैं कि उनको शर्म आती है रोज रोज जाकर के लंगर खाएं, कभी कभार चले जाते हैं, लेकिन भाई शर्म के मारे जो है ये बहुत जो है इस मामले में सफर कर रहे हैं, उनको जो है मेंटल और शारीरिक टॉर्चर है। तो उन्होंने कहा कि हमने ये विशेष कर ये जो है हमने मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए यह हमने उपराला किया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे उनका नंबर मिला तो मैंने उनके सबसे बात करी और फिर मैंने उनको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करी। तो मैंने कहा जी ऐसा है कि अगर कोई बहुत ज़रूरतमंद आ जाए, अगर आपको कंसल्ट करे तो आप मुझे जो है कंसल्ट कर ले, तो मैं ज़रूर जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं कुछ अमाउंट जो है ज़रूर कंट्रीब्यूट करूँगी और मैं जो ज़रूरतमंद इंसान हो तो मैं वहाँ तक जो है उनको वो पहुँच पाए। तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर किया कि उन्होंने मेरा नंबर जो है वो अपने फेसबुक पेज पर डाल दिया। तो वो किसी महिला के ने देखा और उसने उनको कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बताया कि नहीं हमारा तो मनी क्लास के लिए ये उपराला है तो हम तो बाई कॉस्ट ही दे रहे हैं, लेकिन हाँ एक नंबर दिया हुआ है मैडम का, तो आप उनसे कांटेक्ट कर लो।
तो उसके बाद में उस महिला ने उसे कांटेक्ट किया, मेरे से बात हुई फोन पे। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको आटा दाल जो भी घी तेल वगैरह बेयर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट थी, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है आप वहाँ से जाके ले लो और मैं पेमेंट कर दूंगी। और इस प्रकार फिर उन्होंने गूगल पे पे मैंने उस भाई साहब को पे कर दिया। और वह महिला को देखिए मैं कितनी दूर बैठी हूँ उनसे, बाद में वो महिला मुझसे पूछ भी रही थी कि मैडम आप कहाँ रहते हैं। मैंने कहा आपने क्या करना लॉकडाउन में, देखिए समय चल रहा है तो आज की तारीख में और सब कुछ जब इंटरनेट पे हो रहा है, तो मैंने कहा आपको मेरा नंबर कैसे मिला, आपने सर्च किया, आपको फेसबुक पे उनके पेज पे मेरा नंबर मिला, तो मैंने कहा फिर आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं, चलिए जो टेलीफोन मेरे से हो पाया मैंने किया। उसके बाद उनका आया कि मैडम हमारे बच्चा थोड़ा बीमार चल रहा है तो उसका ट्रीटमेंट है, तो मैं यहाँ पे क्लिपिंग डाल के बताऊंगी आपको। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन की फोटोग्राफ्स वगैरह भेजी और बोली कि कुछ नॉर्मल जैसे कि ईसीजी वगैरह, वो ईसीजी तो नहीं जो नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए हीमोग्लोबिन है, टीएनसी डीएनसी है, तो इस तरह के टेस्ट करवाने हैं। तो मैंने उसके लिए भी उनको बोला कि आप अपना लोकल किसी भी जो है जाकर के पैथोलॉजी लैब में पहले आप पता करें कि इसका कितना अमाउंट का है, टोटल बिल कितना है, खर्चा है, और वहाँ पता करें कि कोई चैरिटेबल भी अगर कोई ऐसी चल रही है पैथोलॉजी लैब तो आप उसको सर्च करें और वहाँ भी देखें, और फिर अगर मुझे होगा तो मुझे बताइएगा, तो जो भी मुझसे बन पाएगा तो मैं आपको मदद करने की कोशिश करूँगी और डॉक्टर साहब से मेरी बात करवा दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम चाहें तो हम घर बैठे भी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। और देखिए जब हम लोग सभी लोग मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद जाते हैं, हालांकि मस्जिद जी में तो माथा टेकने का प्रोविजन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे मुस्लिम परिवार जो है वो भी जो है कुछ अमाउंट जैसा उनके यहाँ जकात कहा जाता है तो कुछ निकालते हैं साल की साल में दान करते हैं। और सिख समुदाय में तो है ही है कि दसवन आप अपना दसवा हिस्सा हर महीने दे पाए, तो इस तरह से हम लोग करते ही हैं। जब हम लोग मंदिर गुरुद्वारे कहीं भी दर्शन जा रहे हैं तो कुछ तो आप आचार्य जी को देते हैं, माथा टेकते हैं, गुल्लक में डालते हैं। अब अगर समय लॉकडाउन का है और इस समय में अगर हम लोग ऐसा नहीं जा रहे हैं, और नॉर्मल भी जैसे बर्थडे आ गया, मैरिज एनिवर्सरी आ गई, तो हम लोग कितना खर्चा करते हैं, फंक्शन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उस पर खर्चा होता है ना दोस्तों। तो हम उसमें से वही सोच लें कि इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा अगर हम ऑनलाइन दे पाए तो एक बहुत अच्छा होगा। चौथा, फिर से मैं अपनी वीडियो का लिंक डालूंगी जो कि मैंने बताया था कि कोरोना वॉरियर्स के लिए स्पेशली जो है एक एस्ट्रो रेमेडी है, उसको जो है 11 पदार्थों से उसको बनाया जाए और फिर उसको दिया जाए। अब इंडिविजुअल लेवल पे लोग बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें फिर रिक्वेस्ट करी है कि हमारे एनजीओज, मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद चर्च आदि आए और वह जो है बना करके डिस्ट्रीब्यूट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वह एस्ट्रो रेमेडी पहुँचे, तो वो एक तरह से अपने आप में प्रोटेक्टिव जो है प्रोटेक्शन देगी, प्रोटेक्टिव कवच के रूप में, या एक तत्व जो है बैलेंस करने के लिए, नेगेटिविटी को दूर रखने के लिए वह एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो कि बनाया जाए जाना चाहिए और हमारे धर्म स्थानों द्वारा जो है उसको जो है वितरित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से ये मैं 4 पॉइंट थे जो मैंने शेयर करने चाहिए आपके साथ, और उम्मीद है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर हो और हमारे जो भी छोटे धर्म स्थान है वो भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आफ्टर ऑल हमारे हर धर्म स्थान का जो है उनका अपना प्रेसिडेंट होते हैं, जो उनका जो हम कहेंगे लोकल जो उनकी बॉडी होती है गवर्निंग बॉडी, तो वो कुछ ना कुछ जो है इस तरह से मदद करने की इस कठिन समय में कोशिश करें तो बहुत अच्छा होगा दोस्तों। और इसी के साथ बस मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अब तक जो है मेरा चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया है, नए लोग हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बताएं कि आगे से और कैसी वीडियो आए, और हेल्थ के ऊपर और सूर्य ग्रहण के ऊपर विशेष जो वीडियोज़ हैं वह आ रही हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।